बुरहानपुर जिले के कृषि उपज मंडी में व्यापारी मंडी टैक्स और अन्य मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। व्यापारियों का मानना है कि मंडी में लगने वाला 1.70 पैसे मंडी शुल्क को घटा करके 50 पैसे किया जाए, गोदाम का लगने वाला किराया भी कम किया जाए। वहीं बुरहानपुर जिले की रेणुका कृषि उपज मंडी में लगभग 23 व्यापारी ऐसे हैं जो सतत कार्यरत हैं, जिनकी मांग है कि मंडी शुल्क को कम किया जाए, जिसको लेकर सभी लामबंद होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कम करने के बाबत निराश्रित शुल्क समाप्त किया जाए और मंडी संरचना अधिनियम 2009 को यथावत रखा जाए और जो हमारे मंडी के माने किराया है गोदामों के इसमें और लाइसेंस का सरलीकरण किया जाए, इन मांगों को लेकर हमारी हड़ताल है। कितना टैक्स मिल रहा है, कितना मांग कर रहे हैं आप? अभी तो माने मंडी में 1.70 रुपये टैक्स लगता है, जिसकी हमारे 50 पैसे मंडी शुल्क किया जाए इसकी मांग है। कब तक चलेगी हड़ताल? यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है जिसमें हमारा महासंघ इंदौर जो हमारे गोपाल दास जी अग्रवाल है उनकी माने सहमति से ये मध्य प्रदेश में पूरा आह्वान किया गया है हड़ताल का। कितना व्यापारी है बुरहानपुर में? बुरहानपुर में कम से कम 23 व्यापारी है जो माने मंडी में कार्यरत है। क्या नाम आपका? संजय शाह, बुरहानपुर कृषि उपज मंडी प्रवक्ता।